हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। हमें लास्ट क्लास में सिस्टम के मैथ पेपर देखो जो 14 तो 14 में सिटी को क्वेश्चन दिला तो 14 रो सिटी क्लास में क्वेश्चन दिला तो हमें मैथ क्वेश्चन पेपर में सिस्टम को दिले। तो आज हमें साइंस रो पार्ट को सिस्टम को दवा तो 86-200 रो क्वेश्चन दिला हमें सिला सिस्टम को दवा टाइम वेस्ट पर रिडाइट वीडियो को जीवा में। तो फर्स्ट क्वेश्चन को दिला कि 86 कहले कि कोटा समतुल्य समीकरण। हां, हम गुटे कथा कह देबो छे तुम्हें माने गोटे क्वेश्चन डाउनलोड कर दियो तापर कोनो तुम्हारा सुविधा हो। ठीक अच्छे, हम क्वेश्चन पढ़ दे कि ए ऑप्शन निकला NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड Na2SO4 प्लस H2O। तो यह तो ऑप्शन भी ठीक अच्छे। तो ये ऑप्शन भी दो ऑप्शन नंबर अच्छे सी अच्छे जैसे कि 2NaOH SO2H2SO4 Na2SO4 2H2O। लेकिन जानवा के पर हमें देखा अपने कौन अच्छी ना एन ए कतरा अच्छी एवं एपटे एन के अच्छे एपट दुई एन अच्छी सोडियम दुई सोडियम दुटे अच्छी एवं ऑक्सीजन चारि दुई छटे अच्छे सेपटे प्रतिकार प्रतिकार जीतिक उत्पादन टिकेत अच्छे छटे अच्छे दुई जन दुई चार दुई छटे अच्छे हाइड्रोजन अच्छे दुईट चार अच्छे हाइड्रोजन अच्छी हाइड्रोजन चार अच्छे सेपटे चार अच्छे ये देखा सल्फर के सल्फर अच्छे गोटे सेपटे अच्छे गोटे तो प्राय सब देखे तुम्हें देखे कि प्रतिकार जो मूल गुड़ी देखिले उत्पादन सामान परमाणु विशिष्ट अटंती तेणु देखना टू एन एच H2SO4 H2 Na2SO4 एंड टू एच टू ओ। ठीक अच्छे, यहाँ कौन ना समतुल समीकरण। ठीक अच्छे, ये समतुल समीकरण आमको बेस डिटेल्स आने आम मैंने कौन करवा ना 10th क्लास रो जो अच्छी फिजिकल साइंस बहुत प्रथम विषय देखा। ठीक अच्छे, तो तापर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 87 कहते जी कपर्स जेड क्वेश्चन लिख दूँ। ठीक अच्छे, कहते जेड एन जी प्लस CuSO4। ठीक अच्छे, ये भी 10th क्लास फास्ट चैप्टर फिजिकल साइंस रो फास्ट चैप्टर थी जी SO4 प्लस कपर। ठीक अच्छे, तो ये आम देखा कि कौन होना जिंक सहित कपड़ आस मिसी कौन SO4 आस मिसी बाकी कपर तरह स्वतंत्र हो जाए। ठीक अच्छे, तो जितने कल हम तो यहाँ कौन सब बुझे ना विस्थापन होना केवल SO4 आस मिस कौटी ना कपर सहित। ठीक अच्छे, तो यहाँ सरी जिंक सहित जीत मिसी कौन है विस्थापन गोटे मतलब विस्थापन होगा आज दुई विस्थापन होगा द्वित विस्थापन कहीं था। ठीक अच्छे, तो यहाँ डिटेल्स लिखा है फिजिकल फिजिकल साइंस फास्ट चैप्टर में एटा डिटेल्स पढ़ते देखते बहुत ही जानते पर एजुकेशन दुईट एजुकेशन था एवं तृतीय क्वेश्चन आसे तृतीय क्वेश्चन कौन है सांद्रता वृद्धि अनुसार क्यों कम ठीक सांद्रता कहते धूआ जल मऊ मऊ आ लोह। ठीक अच्छे, सांद्रता मैं कमी जानते बहलिया अंश कह कि देखिए धूआ धूआ जल मऊ लोह तो सब अधिक जाना कहीं कौन अच्छी ना लोह बाहर अनुमान जो रही है कौन ताको अनुमान जो स्थान जो रहा सी पूरा निविड़ पर था तेनालीराम कौन बढ़िया अधिक आसो जेहत कठिन होता तो तेनाली लोह सब सर्वाधिक हम और धुआं जेहतु गैस होता सर्वनिम्न हम। ठीक अच्छे, सांद्रता तेनालीराम देखिए धुआं पर जल आसो जल मुह आस मुह पर लोह आसो ये क्रम ठीक अच्छे। तेनाली 88 नंबर क्वेश्चन मोर कौट आ धुआं जल मबु लोह लोह ऑप्शन नंबर बी। ठीक अच्छे, तरह 89 नंबर जीवा तो तरल द्रावक द्रवीभूत होता द्रावक क्यों उपाय पृथक कराए अच्छा तरल द्रावक मैं सब जल जल द्रवीभूत होती किए सब कौन द्रवीभूत होती जो द्रावक विधान कहीं। ठीक अच्छे, सब चीनी मिसिक अच्छी। ठीक अच्छे, जल चीनी मिसिक अच्छी आम कौन करपर लगा जल मैं चीनी पाने चीनी किपर आम बाहर करवा जो प्रोसेसटा कौ प्रोसेस आम करवा ना ये कौन करेंगे जस्ट हिट करदे गरम करदे ये आम गरम करदे कौन पूरा हिट करदे गरम करदे ये कौन हम ना जलटा कौन गैस ही पड़े चीनी रही है ये प्रोसेस जो आम कौन कह बाष्पी भवन कह कहूँ बाष्पी भवन कह। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जावा नेक्स्ट क्वेश्चन कही निम्नलिखित जौगिक मानक मध्यरु केउटी गरम कले सीधा सड़क गैसीय अवस्था परिवर्तन होता है जमीती आम कहते उद्वाही पदार्थ गुड़ा कहते ना कि सपोज देखे कर्पूर मद कर्पूर ताकि आम कौन सलिड थी आम हिट करदे डायरेक्ट कौन करते गैस होता उद्वाही कहते ठीक सेमती जौगिक गोटे अच्छे जो आम कौन ना जो आम गरम करदे सी कौन हम डायरेक्ट कौन हम ना गैस हो। ठीक अच्छे, सीधा गैस जो किए सी हो एमोनियम क्लोराइड। ठीक अच्छे, एमोनियम क्लोराइड ऑप्शन नंबर तुम आस NH4Cl। ठीक अच्छे, NH4Cl जोटा जो को एमोनियम क्लोराइड से कौन आम गैस हो। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन कही गोटे गाड़ी 5 मिनिट रे कौन ना 5 मिनिट के मिनिट समय नहीं 5 मिनिट समय कौन ना 72 किलोमीटर पर घंटा 72 किलोमीटर
बराबर ठीक अछि जाउ छी ता त्वरण लागू जे कि ता त्वरण सुपे देखि हम कोन ता त्वरण सुपे हम देखि कोन ना ए एक्सीलरेशन त्वरण कोन से कोन मोदी एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन कोन हो ना वेलोसिटी बाय टाइम ठीक अछि कि वेलोसिटी बाय टाइम टोटल वेलोसिटी बाय टोटल टाइम ठीक अछि एटा हम देखिबा तो वेलोसिटी हमर 72 किलोमीटर रो एग्जाम रो ताको हम 8 बाय कोन 5 बाय 18 को दबा तदले कोन हो ताको बाद करिया एवं तळे कोन से हमरो ता घंटाटा रहला ता तमे को करिबा तो कहते समय बदला 5 मिनट 5 इंटू 60 को दवा ठीक अछि अब एटा हम समाधान करबा अपन 72 5 20 एवं तळे जगह दे 300 ठीक अछि एवं एटा लागत ना 1 बाय 15 एटा हम समाधान करले 20 बाय 300 इक्वल 1 बाय 15 तो एटा लागत हमर कोन ऑप्शन आसला ना 1 बाय 15 मीटर पर सेंटीमीटर पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर ठीक अछि एटा हमर भालला तो एटा समाधान करबा पूरा इजी अछि किछ सुधा नै हमो किछ एटा फॉलो करिया पड़ो एवं 9 क्लास रो छि हम जे गति विषय अछि सेतिरे मते एटा में पाई परबा ठीक अछि हमे नवम श्रेणी आ दशम श्रेणी जदि लाइफ साइंस छै फिजिकल साइंस फॉलो बोई गुड फॉलो करिबा तबे हमो को प्राय एत्र सबुर समाधान मिले जइबो एवं बहुत इजी मते अछि हां हमो को नेगेटिव हमो को ये बेरे अछि तो नेगेटिव अपलोड करिया पाई हेले हमो को करिया पड़ो जति कि हमे अटेम्प्ट को आछु जति कि हम आछु छि सेति कि हम अटेम्प्ट करिबा जदि अधिक किछ कौन होची आशा रखी मैंने हमें सुना ही कि मो गेस गेस करी कुटे समाधान करी सेमती करी बा ना ही पहले कौन होगा नेगेटिव वाला कोटी चार टीम में जो नेगेटिव ही जाऊँ ची ताले घुटे मार के मोरा कोटी जीवा ठीक होची तो ना हमें जितने संजोता संभव हो हमें नेगेटिव को आगे करी बा तापर 92 नंबर क्वेश्चन कुछ बा विचार को नहीं है चार टीम बाक्स ठीक होची चार टीम बाक्स देची चार टीम बाक्स कौन कौन देची ना तार तरह आकार आकृति समान द्रव्य मान अलग ठीक होची तो दुटा बदल बाक्स दला चारटा बाक्स में बॉक्स दला चारटा बॉक्स में कौन कला चारटा बाक्स विभिन्न प्रकार आकृति और आकार समान हो कि विभिन्न प्रकार अलग अलग वस्तु रहला कौन रहला ना गोटा तुला दर रहला तुला दर रहला तुला दर काठ बाक्स ठीक अछि तुला दर काठ बाक्स अब से तुम खाली लोहा बाक्स गोटा लोहा बाक्स ठीक अछि आ गोटा कौन बही द्वारा पूर्ण काठ बाक्स आ गोटाला बही द्वारा लोहा बाक्स एटा लोहा दिला ठीक अछि किंतु एटा खाली लोहा दिला एटा बही लोहा अछि तो कोटा अधिक ओजन आसीबो ठीक जड़त्व तार अधिक कर तार अधिक ओजन आसीबो तार जड़त्व अधिक आसीबो जड़ अधिक ओजन कर ऑटोमेटिक एटा नै जीवो कोटा ना बही द्वारा परिपूर्ण लुहा बाक्स ठीक है एटा हम राइट आंसर बुझु छी कि नै क्लियरली बुझियो तु नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जीवा कोला जूल आ और गते संपर्क कोन अछि जूल 1 जूल 1 जूल हम जान छथि केते ना 10 टू 10 टू 7 और ठीक अछि 1 जूल इक्वल टू 10 टू 7 और ठीक अछि तो एटा हमरो राइट आंसर हिजो 1 जूल इक्वल टू 10 टू 7 और ठीक अछि तो एटा को मन रखे पड़ो हमको तो तापर से 94 तो डेंगू रो कारक डेंगू जो रो असला बजे जानती हमें डेंगू बहुत मन कोन असला भयन रोग हो रास्ता जंती एबे कोरोना चल छि कोरोना वायरस से डेंगू मत रास्ता मतलब एते जो दियो हाइलाइट नथिला तथा डेंगू जो रो बहुत प्राण होय दियो से एवं डेंगू जो मारा रोग होवे बेसिकली जो पश्चिम ओडिशा रे ग्रहण कराइ थिला ते डेंगू जो रोग होला पर मशा द्वारा में जो डेंगू मशा द्वारा होला कि जो रोगटा हो सेटा केउ द्वारा हो बैक्टीरिया भूताणु ऑप्शन देछि बीजाणु भूताणु आदि जीव कवक तो एटा हम क्लियर कि भूताणु द्वारा नै होला ठीक अछि डेंगू को द्वारा होछि ना भूताणु द्वारा ही होछि ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा होछि बहामर कलंकी रोग होछि एटा डिटेल्स होछि 8 क्लास रो होछि बहामर कलंकी रोग एटा 8 क्लास रो साइंस होय रोछि फिजिकल साइंस होछि सॉरी एक केस फर्स्ट चैप्टर अछि एक केस फिजिकल साइंस मिसिक अछि ना तो फर्स्ट चैप्टर ही अछि ता बहुमर रे कोन करे अछि फर्स्ट चैप्टर अछि अणुजीव सॉरी सेकंड चैप्टर अछि अणुजीव अछि एटा पढिले हम जानि परबा न एटा कोन कहै छै ना बहुमर रे कोन रोग तार कारण हला कोन ना कारण कारण अछि पक्सनिया ठीक अछि तार कारण अछि कोन ना पक्सनिया ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर कोन माने सेट टू जो अछि 14 जो क्वेश्चन पे पढले डाउनलोड करो पीडीएफ ऑनलाइन को कला परे एटा तुम पाई जीव क्वेश्चन आंसर कर देली एवं जहां पर किछ डिटेल्स भी कहि दो छी जहां किछ असुविधा हो छी ते हम कमेंट करबे मो स्कूल मेट रे ओडिया को सब्सक्राइब करबे एवं हमको आगो को बढ़िया प्रेरणा देबे ठीक हो छी तो बड़ो क्वेश्चन जी हमें 96 के छी ग्राम पॉजिटिव बीजाणु कोष भीतर केउ के मुख्य उपादान अटे ठीक हो छी ग्राम पॉजिटिव बीजाणु कोष तो जे हमर बैक्टीरियल सेल ते बैक्टीरियल सेल रहला सेटा कोची कोटा कोन हो ना मुख्य उपादान अटे तो तार कौन सब लाइपो प्रोटीन लाइपो पॉलीसेकेराइड पेप पेप टिटो ग्लाइकन एंड ग्लाइको प्रोटीन या तो कोस जो हो ना पेप टिटो ग्लाइकन ठीक अछि एटा हम हमर राइट आंसर ठीक अछि
ଏଇ ଯୋଉ ରହୁଛି ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଟା କିଛି ବୁଝିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଡାଟା ଆମକୁ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ପଢ଼ିକି ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି, ଏଟା ନଲେଜ୍ ଗେନ୍ କରିବାର ଅଛି, ଏଟା ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସରେ ବହି ଅଛି, ନାଇନ୍ଥ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏଟା ଆମକୁ ପଢ଼ିଲେ ଆମକୁ ମିଳିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 97 କହିଛି, 97 କହିଛି କି ନେଷ୍ଟି କେଉଁଥିରେ ନଥାଏ, ନେଷ୍ଟି କେଉଁଥିରେ ନଥାଏ, ଗୋଟେ ହେଲା ଇଷ୍ଟ, ଇଷ୍ଟ ନିହାତି ହେବାର ଥାଏ, ଇଷ୍ଟ ଆଉ ହେଲା କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସ୍ନାୟୁକୋଷ, ସ୍ନାୟୁକୋଷ ଯେଉଁ ଡେଣ୍ଡ୍ର ନାମ ରହିଛି, ସ୍ନାୟୁକୋଷ, ସ୍ନାୟୁକୋଷ ତ ନିହାତି ହେବାର ଥାଏ ଥିବ। ଆଉ ହେଲା ଆମିବା, ଆମିବା ପାଖରେ ଥିବ, ଏମିବା ଏମିବା କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଅମିବା, ସେଟା ତ ନିହାତି ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା କ'ଣ, ତା ପରିପକ୍ୱ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ଆର୍ ବି ସି, ପରିପକ୍ୱ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ଆର୍ ବି ସି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ ଆର୍ ବି ସି ହେଲା ସେଥିରେ କ'ଣ ନଥାଏ, ଆର୍ ବି ସି ସେଲ୍ ଡଜଣ୍ଟ କଣ୍ଟେନ୍ ଅଫ୍ ଏନି ଅଫ୍ ଦ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍, ଓକେ। ତାର ମାନେ କ'ଣ ହେଲା, ପରିପକ୍ୱ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ଆର୍ ବି ସିରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆମର କ'ଣ ନାହିଁ, ନେଷ୍ଟି ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ୍ ଅଛି କ'ଣ, ଆମର ନେକ୍ସଟ କୋଷ ଅଛି 98 ଆସୁଛି, 98 ଆସୁଛି କ'ଣ କହିଛି ନା, କେଉଁଠି କୋଷର ଅନ୍ତ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସମସ୍ତେ ଆମର ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ, ସେଟା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଥାଏ ଏବଂ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାରିପଟେ ଏମିତି ଏମିତି ସବୁ ଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ'ଣ କଥା କୁହନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ଏଣ୍ଟିପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଏଣ୍ଟିପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ ଅଛି, ଗୋଟେ ରଫ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ମୁଥ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ରଫ୍ ହେଲା କ'ଣ, ଖତଡ଼ିଆ, ସ୍ମୁଥ ହେଲା ନର୍ମାଲ ଯେଉଁ ପ୍ଲେନ୍ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, ହେଲା ରଫ୍ ଏଣ୍ଟିପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ ଆଉ ସ୍ମୁଥ ଏଣ୍ଟିପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ। ସେ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟିପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ ହେଲା, ସେଇ ଏଣ୍ଟିପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ କାମ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ସେ କ'ଣ କରିବ, ଯେଉଁ ସେଲ୍ ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ସେଇଟା କ'ଣ କରିବ, ଅନ୍ତଃ ପରିବହନ କରିବ, ସେଲ୍ ଭିତର କ'ଣ କରିବ, ଯିବା ଆସିବାରେ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, କିଏ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ, ସେ ଅନ୍ତର ଯେଉଁ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ, ଯାହା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ସେ ସବୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ, କେଉଁଠି ନା ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ ଠାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନମ୍ବର 99 ଏଇଟା ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ଅଛି, କ'ଣ କହୁଛି ନା, ମରୁଜୀବୀର କେଉଁ ଏକ ଉପଯୋଜନ ନୁହଁ, ମରୁଜୀବୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ସିଜୁ ଗଛ କି ଆମର ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ କଣ୍ଟାଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ମରୁଭୂମି ମାନଙ୍କ ଉଠିଥାଏ, ସେଇ ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ ସେଇଟା କ'ଣ ଥାଏ ନା, ତାଙ୍କର ଉପଯୋଗ ନୁହଁ କେଉଁଟା, ନା କଣ୍ଟାରେ ଯେଉଁ ପତ୍ର, ତା ଯେଉଁ ପତ୍ର ରହିଲା କଣ୍ଟା କଣ୍ଟାଟା ବାହାରିବ, ଏଇଟା ତ ଉପଯୋଗ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମେ ପଢ଼ିଥିବା କେଉଁଠାରେ, ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଯେଉଁ ପରିଯୋଜନ ଅଛି ପରିସଂସ୍ଥା ସେଥିରେ ପଢ଼ିଥିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। 9 କ୍ଲାସ୍ରେ ଏଇଟା ଅଛି, ଏଇଟା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ 9 କ୍ଲାସ୍ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସରେ ପଢ଼ିଲେ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତା ଉତ୍ସେଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଉତ୍ସେଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ କରେ, କାହିଁକି ନା ଜଳର ଅଭାବ ହେଇଥାଏ ମରୁଭୂମିରେ, ଯଦି ଉତ୍ସେଜନ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ କରିବ ଜଳ ସବୁ ପଳେଇବ, ତାହେଲେ ସେ ଗଛ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରେ ନା, ଉତ୍ସେଜନ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେ କରିଥାଏ। ତା'ପରେ କ'ଣ ନା, ନିମ୍ନସ୍ତ ସ୍ତମ, ହଁ ସ୍ତମ କ'ଣ କରିଥାଏ, ତା ନିମ୍ନସ୍ତ ହେଇଥାଏ, ନିହାତି ରହିବ ତା ସ୍ତମ, କାହିଁକି ତା ସ୍ତମ ତଳେ ଉଠାଏ ହେଇଥାଏ, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ତାକୁ ସେ କ'ଣ କରେ ନା, ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି, କାଣ୍ଡ ଫମ୍ପା, ତା କାଣ୍ଡ ଫମ୍ପ ନଥାଏ, ରସାଳ ଥାଏ ତା କାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ, ଆମେ ଆଚ୍ଛା ଭଲସେ ସେ ଯେଉଁ ଆମେ କାଟିବା ଦେଖିବା, ବହୁତ ପରିମାଣ ରସ ବାହାରିଥାଏ, ଏଇଟା ରସାଳ ଥାଏ, ଏଇ ଯେଉଁ କହିଲା କାଣ୍ଡ ଫମ୍ପା, ଏଇଟା ହିଁ ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହିଁ ଭୁଲ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ରଙ୍ଗ ଥିଲା, ଏଇଟା ହିଁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଆମର। କ'ଣ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି, କାଣ୍ଡ ଫମ୍ପା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଆମ ଭାବରେ ମରୁଜୀବୀର ଉପଯୋଗ ନୁହଁ। ନେକ୍ସଟ 100 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି କ'ଣ ନା, କେଉଁଠି ମୁକ୍ତ ସନ୍ତରଣ ଚମ ଜଳ ଦୁଇ, ଜଳରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ପାଣିରେ ପୋଖରୀ ମାନଙ୍କ ସବୁ ଦେଖିବା, ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା, ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି କ'ଣ, କେଉଁଟା ଆମର ଅଧିକ ସନ୍ତରଣକ୍ଷମ ହେଇଛି ଏବଂ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ, ଏବଂ ତାର କୌଣସି ଜିନିଷ ତଳକୁ ଯାଉ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ପଦ୍ମ, କଇଁ, ବରଛାଞ୍ଚି ଆଉ ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ତମର କି ସୁନସୁନିଆ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କ'ଣ ନା, ବରଛାଞ୍ଚି, କାହିଁକି ନା ବାକି ସବୁ ରିଲେଟେଡ୍ ସବୁ କ'ଣ ତଳକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବରଛାଞ୍ଚି ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ପୋଖରୀ ପାଣିରେ ଭାସି ବୁଲିବ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ତ ବରଛାଞ୍ଚି ବିଷୟରେ ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ଏଇଟା ହିଁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, କି ଏଇଟା ହେଲା ମୁକ୍ତ ସନ୍ତରଣକ୍ଷମ ଜଳ ଉଦ୍ଭିଦ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ପ୍ରାୟ ସାଇନ୍ସ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ଆମେ କରିଦେଲେ, ପ୍ରାୟ ଡିଟେଲ୍ସରେ ବୁଝିଗଲେ, ଏବଂ ଆଶା କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ଏବଂ ଏହାକୁ ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଏବଂ ଆମେ ଆଉ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଏବଂ ଆଉ ଆମେ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବେ କି ଆମେ ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।